लंका में रह करके विभीषण जी ने राम को नहीं छोड़ा। रामायुध अंगित ग्रह शोभावर नव तुलसी का वृंद दे हरस कपिरा देख हरस कपिरा। विभीषण जी लंका में रहकर के भी राम को नहीं छोड़ते। राम को ना छोड़ने वाले विभीषण जी की रक्षा करने के लिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी स्वयं जाते। देखो हनुमान जी है माध्यम। रामायण में दो प्रसंग बड़े अद्भुत हैं। एक प्रसंग पढ़िएगा, सुग्रीव जी जब ऋषिमुख पर्वत पर ऊपर बैठे हुए थे तो नीचे राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो दोनों राजकुमारों को देख करके आहा सुग्रीव जी को लगा हमारे भाई बाली ने हमें मारने को भेजा है। लेकिन हनुमान जी तो पहचान गए, क्यों ये जो रूप दिख रहा है ये तो हमारे सरकार का है। तो हनुमान जी ब्राह्मण भेष बनाकर गए, राम जी से परिचय की। राम जी से परिचय करके हनुमान जी बोले सरकार हमारे स्वामी जी बैठे हैं, तुम्हारे राजा कौन है? राम जी ने पूछा। हनुमान जी बोले श्री सुग्रीव जी आप उनके पास चलिए क्योंकि वो बीमार है, आप हैं वैद्य। तो राम जी बोले देखो भाई हनुमान जी सच सच बतावे, हाँ प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। अगर तुम्हारे सुग्रीव जी को ज्यादा ही हमसे मिलने की इच्छा है तो वो आ जाए। श्री हनुमान जी बोले महाराज वो आ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो बीमार हैं। कौन से रोग से? भय रोग से, उनको भय लगा हुआ है कहीं उनका भाई मार ना देवे। बोले तब तो और इनको आना चाहिए अगर बचना है तो। हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी बोले बोले सरकार रोगी चलने लायक हो तब तो वो डॉक्टर के पास आ जाता है, पर रोगी जब ज्यादा शिथिल हो तो डॉक्टर को ही रोगी के पास जाना पड़ता है। ये रोगी ज्यादा ही गंभीर है, आप चलिए। तो राम जी और सुग्रीव जी की मैत्री कराने का श्रेय श्री हनुमान जी को है। क्यों? क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारा। क्योंकि श्री हनुमान जी साधु संतों के रखवारे हैं। एक बात और, हनुमान जी उन पर कृपा करते हैं। देखो हमारी बुद्धि कहती है सूत्र गांठ बांध लो पागलो, न मान प्रिय हो न सम्मान प्रिय हो न स्वाभिमान प्रिय हो न ज्ञान प्रिय हो, जिसे केवल हनुमान प्रिय हो उसी के हनुमान जी होते हैं। न मान न सम्मान न स्वाभिमान न ज्ञान, हमें तो सिर्फ प्रिय हो हनुमान। ऐसे दृढ़ विश्वास पर हनुमान जी क्या करते हैं, लंका में भी आ जाते हैं। लंका निशीचर निकर निवासा यहां कहां सज्जन करवासा। लंका निशाचरों की नगरी, राक्षसों की नगरी में भी हनुमान जी गए। लेकिन वहां जाकर के दो काम विशेष किए। कौन? पहला विभीषण जी से मित्रता, विभीषण जी से मिलन। दूसरा काम कौन सा? श्री जानकी जी के ताप को मिटाया। लेकिन विभीषण जी की खासियत क्या है?
विभीषण जी की खासियत है कि वो लंका में रह करके भी राम राम जप रहे हैं। राम राम जप नहीं रहे, ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। विभीषण ने लंका में रह करके भी अपने दरवाजे पर राम लिखा है। दरवाजे के एक तरफ रा, दूसरी तरफ मां। अब विचार करो कि रावण राम जी का विरोधी कितने दुख नहीं सहे होंगे। एक बार रावण को किसी ने कान में भर दिया, अरे तुम राम राम लगाए भर रहे, दुश्मन शत्रु लगाए, तुम आओ भैया तो राम को भक्त है, दिन भर राम 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 राम। भक्त तो छोड़ा, वो तो अपने दरवाजे पर भी तुम्हारे शत्रु का नाम लिखे हैं। क्या राम? हाँ, रावण बोला झूठ बोल रहे। तो कान भरने वाले बड़े चतुर होते हैं, बोले तुम्हारी 20 आंखें हैं, ज्यादा हैं तो देख लो। रावण बोला सुन लो, गर्दन काट देंगे। कान भरने वाला बोला काट देना, पहले देख लो। रावण गया विभीषण के द्वार पर और क्या देखा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिना जा, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिया। आयुध बने हुए, तुलसी का पौधा लगा हुआ, दरवाजे के एक तरफ लिखा रा, दूसरी तरफ लिखा मां। रावण चिल्ला पड़ा, विभीषण सावधान। विभीषण जी हाथ जोड़कर आ गए, भैया की जय हो, कैसे पधारे आज, ये बात छोड़ो, स्वागत छोड़ो, सावधान हो जाओ मरने को। क्यों? अरे तो हमारे शत्रु का सपोर्ट करते हो, यहां तो प्रचार हमारा हमारी पार्टी का होना चाहिए, तुम तो विपक्ष की पार्टी का प्रचार कर रहे हो, गड़बड़ है, सावधान। विभीषण जी कहते हैं सरकार हम तो तुम्हारी पार्टी के आदमी हैं, अगर हमारी पार्टी के हो तो ये राम क्यों लिख रखा। अरे राम 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 राम, भैया तुम्हारी बुद्धि मारी गई, ले हमारी बुद्धि दस बुद्धि है। विभीषण जी बोले तबई तो खराब है, यही से तो लगा नहीं पा रहे, जिसके ज्यादा बुद्धि होती है वो लगा नहीं पाता। रावण बोला मतलब, विभीषण जी बोले सरकार ये तुम्हारे दुश्मन राम का नाम नहीं है, ये तो तुम्हारा ही नाम है, अब देखना चतुरता। रावण बोला इसमें हमारा नाम का है, बोले आप दोनों हैं रावण मंदोदरी, हमारी भाभी जी, अब दोनों अलग अलग लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, एक तरफ हमने रा लिख दिया, दूसरी तरफ मां, रा से रावण, मां से मंदोदरी, हम तो ये पढ़ रहे थे। आप अगर राम पढ़ रहे तो ये तुम्हारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि में तो रावण मंदोदरी, भाभी भैया की जय। रावण बोलो तब तो ठीक है, फिर तो घोषणा कर दी सब लिखवाओ। हाँ देख रहे, एक संत की यही तो कला है, एक संत स्वयं भक्त बनता है और पूरे क्षेत्र को भक्त बना देता है, वो संत ही तो है। विभीषण जी के कहने पर रावण ने पूरी लंका में लिखवा दिया रा मा, लेकिन राक्षस ज्यादा देर तक टिकाए नहीं, फिर किसी ने भरा हम नहीं लिखेंगे, ये तो राम ही हो रहा, बताने की बात है तो मिटाने वाले मिटा देते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा देखिए, राम जी की कृपा देखिए, विभीषण जी लंका में रह करके भी भजन नहीं छोड़ रहे। हमारा तुम्हारा दुर्भाग्य है कि हम भारत में रह करके राम को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है।